जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसे तू मेरा दिल बन जाना। रिमझिम सावन की बूंदे तू हर मौसम बरसाना, जो कम पड़ जाए सांसे तू मेरा दिल बन जाना। हाय एवरीवन, दिस इज मेघा एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेडिंग एनिवर्सरी के लिए वीडियो प्रोजेक्ट, जिससे कि आप किसी के भी पिक्चर से वेडिंग एनिवर्सरी विशेष के लिए ऐसे वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बना कर दे सकती हूँ। इसके लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पे क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो की रेशियो को ले लेंगे, तो 16:9 वाली रेशियो को ले लेते हैं। अब मीडिया पे क्लिक करके वीडियो में टोटल 8 पिक्चर्स को ऐड कर लेंगे। अब इन सब में स्टार्ट पोजीशन एंड इन पोजीशन को ऐड करेंगे, तो इस क्रॉप वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन को रखना है एंड यहाँ पे इन पोजीशन को, तो सारे में ऐड कर लेंगे स्टार्ट पोजीशन को एंड इन पोजीशन को। एंड अब इन सब में ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेंगे, तो प्रेजेंटेशन इफेक्ट में आ जानी है एंड इसमें स्लाइड वाले इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं, तो सारे में ऐड कर लेंगे। पहले वाले में लेफ्ट वर्ड हो चुका है, तो अभी करेंगे राइट वर्ड एंड अब करेंगे अप वर्ड एंड लास्ट डाउन वर्ड। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा लेफ्ट राइट। एंड इसको रख लेंगे 34 सेकेंड एंड अब इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद बैक आ जानी है एंड फिर से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर से वीडियो की रेशियो को ले लेंगे। एंड अब जो वीडियो अभी एक्सपोर्ट हुआ है उसको इसमें ऐड करेंगे एंड इसको इसकी बिगनेट को ऑन कर लेते हैं एंड इसमें ब्लर वाले इफेक्ट को ऐड कर लेंगे, तो इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड सेटिंग्स में आके 4 रख लेंगे एंड इसको लास्ट तक रख लेते हैं। एंड अब यहाँ पे वीडियो प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे, इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड इसको करना है ब्लेंड, तो इसको स्क्रीन करेंगे। एंड अब जो वीडियो मीडिया में है इसको डुप्लीकेट एज लेयर कर लेते हैं एंड टेम्पलेट वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे एंड इस पिक्चर वाले वीडियो को इस फ्रेम में रख लेते हैं। एंड अब यहाँ पे नेम की टेक्स्ट को ऐड करेंगे, तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है एंड यहाँ नेम को लिख लेते हैं एंड इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल को रख लेंगे एंड इसको यहाँ पे रख लेते हैं एंड इसको लास्ट तक रख लेंगे। एंड जहाँ तक टेम्पलेट वीडियो है वहाँ से बैकग्राउंड वीडियो को राइट साइड में ट्रिम कर लेंगे एंड इस नेम का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं एंड इसको यहाँ पे रख लेंगे एंड यहाँ नेम को एडिट कर लेते हैं। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है एंड सॉन्ग इसमें ऑलरेडी ऐड है। और अगर आप लोग सॉन्ग चेंज करना चाहते हो तो आप लोग टेम्पलेट वीडियो के साउंड को ऑफ कर लीजिएगा एंड इसके बाद ऑडियो में आके आप अपनी फाइल से कोई भी सॉन्ग इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी अदर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं।